अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि मैंने अपने हेयर पे कौन सा हेयर कलर यूज़ किया है। तो आज मैं आपके साथ ये कंपनी शेयर करूंगी जो है फ्रेमसी का हेयर कलर है मेरे पास। मैंने ये दो ली हैं ट्यूब्स फ्रेमसी के हेयर कलर की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। यहाँ मेरे पास फ्रेमसी के हेयर कलर की दो ट्यूब्स हैं अलग अलग कलर की, जिसको मैं यूज़ करूँगी अपने हेयर पे। ये दो अलग कलर हैं जो मैंने लेकर अब मिक्स करके अपने बालों पे एप्लीकेशन जिसकी की थी। ये जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ों के रिव्यूज़ शेयर करती हूँ, वो मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये स्पॉन्सर्ड नहीं होती मेरी वीडियोज़। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे फ्रेमसी का हेयर कलर बहुत ही अच्छा लगा है। इस हेयर कलर की जो स्मेल है वो बहुत ही गंदी है, बहुत मुश्किल से बर्दाश्त की है मैंने। जब भी मैंने ये कलर लगाया है तो मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगी, बाकी ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है। जो मैंने पहले क्रीम इसमें ऐड किया उसका कलर थोड़ा येलो था, और जो अब मैं क्रीम बीच में ऐड कर रही हूँ वो उसका जो कलर है वो प्योर वाइट कलर है। दो अलग हैं ट्यूब्स। ये जो दो कलर्स मैंने बीच में ऐड किए हैं ये मुझे इतनी मुश्किल से मिले हैं। जो मैं चाह रही थी वो कलर तो मुझे मिले ही नहीं, बहुत मुश्किल से। तो उससे मिलते जुलते मैंने ये दो कलर लिए। अब इसके बाद जो है कि यहाँ पर मेरे पास 40 वॉल्यूम है जो मैं इसके बीच में ऐड करूँगी। अक्सर शॉप्स वाले ऐसा करते हैं कि जो उनके पास कस्टमर आए उनको 30 वॉल्यूम दे देते हैं कि वो ये इसके साथ यूज़ कर लें, लेकिन ये भी होता है कि 30 वॉल्यूम से कभी कभी आपका कलर नहीं आता। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिनका मोटा बाल है उनके लिए ज़रूर 40 या 60 तो यूज़ करें वो वॉल्यूम। अब यहाँ पर आपको इसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा तो हो रहा ही होगा कि मैंने कितनी कितनी ऐड किया। खैर, मैंने भी अपने अंदाजे से ही ऐड किए थे ये सब कुछ। अब यहाँ पर सिंपल बस इसको मिक्स करना है और उसके बाद हमने एप्लीकेशन करनी है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैंने ये दो कलर्स क्यों लिए। एक कलर जो है वो थोड़ा ब्राउनिश शेड में है और एक कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन और येलो शेड में है। ये जब दोनों मिक्स कलर हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा हमें लाइट ब्राउन शेड देंगे, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं पहले ही, तो मैं अपने बालों को और डैमेज नहीं करना चाह रही। तो इसलिए मैंने इसके बीच में जो पाउडर होता है वो मैंने ऐड नहीं किया, जस्ट कलर और वॉल्यूम। मैंने जो इसकी क्रीम थी और वॉल्यूम मैंने ऐड करके अपने बालों पे कलर किया और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। इसको एप्लीकेशन के लिए आपको ऐसा ही वाला एक ब्रश चाहिए जैसा मेरे पास है, और आपके साथ ग्लव्स यूज़ कर दें। यहाँ पर फुल एप्लीकेशन हो चुकी है हमारे हेयर पे, और ये आप देख सकते हैं कि कलर भी हल्का सा फील हो रहा है। ये वीडियो शूट मैंने एप्लीकेशन के 5 मिनट बाद शूट किया और 5 मिनट में ही इसका कलर आना लग गया। और एक और बात आपको बता दूँ कि इसको कितना टाइम लगाना है और वॉश कब करना है। आपने इसको 45 मिनट, आपने मिनिमम 45 मिनट और मैक्सिमम 1 घंटा लगे रहने देना है, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अल्लाह हाफिज़।